40,000 का परफ्यूम हूँ वो मेरे कस्टमर को मैं 2,000-2,500 में दे पाऊँ। सर्दी है, देखो भाप है, नीचे गर्मी है, डालिए देखिए आपको क्या फील होता है। देसी गबरू इज वर्किंग वेरी हार्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जनरेट होती है इस मशीन से, इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। देसी गबरू जिसके हाथ में भी है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज करो, जितने प्रोडक्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। देख लो बेटा शायद वीडियो उसमें कम दिख रहे हो लेकिन हजारों परफ्यूम्स हैं। सज्जनों वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मी राजवीर सिसोदिया। एंड गाइस आप लोगों के प्यार से और बहुत सारे आशीर्वाद से एक ब्रांड बना है हमारा जिसका नाम है देसी गबरू। बहुत सारे भाई कहते हैं कैसे बनता है, कहाँ बनता है और कैसे पैकिंग होती है, तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। हमारे चैनल राजवीर फिटनेस सीरीज़ के ऊपर डाल रहे हैं इसको, क्योंकि भैया ये जो ब्रांड है ये आप लोगों की देन है। तो कैसे बनता है, क्या बनता है, जैसे आपको पता है 6 प्रोडक्ट हमारे आ चुके हैं, बियर्ड ऑयल, बियर्ड शाइनर, हेयर वैक्स, क्रिस्टल क्लियर, वेट लुक और हमारा फेस वॉश, फेस सीरम और हेयर सीरम। तो अभी हम 5 प्रोडक्ट और बनाने वाले हैं जिसका नाम है, एक तो हमारा शैम्पू प्लस कंडीशनर। क्या होता है हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं लड़कों के वैक्स वगैरह लगा के, तो इतना टाइम होता नहीं हमारे पास कि पहले हम शैम्पू करें फिर कंडीशनर लगाएं। तो शैम्पू प्लस कंडीशनर एक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिसके लिए बॉटल डिसाइड हम कर रहे हैं, दूसरा हम परफ्यूम्स बना रहे हैं जिनके लिए हम बॉटल डिसाइड कर रहे हैं। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल है, तो कोई भी ब्रांड है भाई उसको हिट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है उसकी पैकेजिंग। तो हम बॉटल्स डिसाइड कर रहे हैं हमारे परफ्यूम्स के लिए। बहुत सारे भाइयों की और बहनों की डिमांड आई है कि भाई हमारे लिए जल्दी जल्दी वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स जो आने वाले हैं वो देसी गबरू के ऐसे आने वाले हैं कि किसी और ब्रांड के पास नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो काम किया ना परफ्यूम्स के ऊपर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। दूसरा आने वाला हमारा एक हेयर वैक्स, बहुत सारे भाइयों ने बोला हमें हेयर वैक्स चाहिए, वो वाला मैट लुक, जिसमें बाल हमारे, जिन लोगों को वेट लुक नहीं चाहिए मैट लुक चाहिए, तो उसके लिए भी हम डिसाइड कर रहे हैं। देखो हमारे पास कुछ इस तरह की पैकिंग्स हैं, यहाँ हमारा देसी गबरू का रखा ही है, ठीक है, या हमारा, या तो हम इस तरह का रख सकते हैं देसी गबरू मैट लुक या ऐसा। ये मुझे यार कुछ खास नहीं लग रहा, बहुत मज़ा नहीं आता मुझे इसमें, आई डोंट नो व्हाई। या फिर हम इस तरह की ग्लास शेप वाला रख सकते हैं। तीसरा है हमारा शैम्पू प्लस कंडीशनर, जैसे मैंने बता दिया परफ्यूम और हमारा, अब गर्मी आने वाली है, धूप बहुत होगी तो उसमें टैन होगा बहुत सारे लोगों को, तो D10 पैक और D10 स्क्रब, और एक और प्रोडक्ट था हमारा, क्या था भूल गया मैं, शैम्पू D10 पैक D10 स्क्रब, शैम्पू D10 पैक D10 स्क्रब और परफ्यूम, शैम्पू, हाँ यही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए हमारे इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं, 4-5 प्रोडक्ट और आने वाले हैं हमारे पाइपलाइन में। तो कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री भी ले चलूँगा तो मैं अभी, जो हमारे देसी गबरू की हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं, कैसे पैक होते हैं, क्योंकि हमारा थैंक्स टू यू पुराना लॉट ख़त्म हो चुका है, नया लॉट हम बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह चेक की जाती है वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, बने रहो अभी। तो हम बॉटल्स डिसाइड कर रहे हैं हमारे परफ्यूम्स के लिए। बहुत सारे भाइयों की और बहनों की डिमांड आई है कि भाई हमारे लिए जल्दी जल्दी वो बनाओ, क्या बोलते हैं उसको, परफ्यूम्स। तो परफ्यूम्स जो आने वाले हैं वो देसी गबरू के ऐसे आने वाले हैं कि किसी और ब्रांड के पास नहीं होंगे, क्योंकि मैंने जो काम किया ना परफ्यूम्स के ऊपर, यू विल बी प्राउड ऑफ मी। अब गर्मी आने वाली है, धूप बहुत होगी तो उसमें टैन होगा बहुत सारे लोगों को, तो D10 पैक और D10 स्क्रब। फिलहाल के लिए हमारे इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं, 4-5 प्रोडक्ट और आने वाले हैं हमारे पाइपलाइन में। तो कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, फैक्ट्री भी ले चलूँगा तो मैं अभी, जो हमारे देसी गबरू की हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं, कैसे पैक होते हैं, क्योंकि हमारा थैंक्स टू यू पुराना लॉट ख़त्म हो चुका है, नया लॉट हम बनाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे और कैसे कैसे यहाँ पे एक्सपायरी वगैरह चेक की जाती है वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा, बने रहो भाई। एक बहुत स्पेशल इंसान से मिलवाएं, बहुत ज़्यादा स्वीट और बहुत ज़्यादा प्यारे हमारे भाई जिनका नाम है अंकुर मिश्रा जी, और भाई हमारे देसी गबरू के कर्ता धर्ता यही है, जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं हमारे मिश्रा जी बनाते हैं। मिश्रा जी थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं भाई बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनता है। कभी किसी को ये लगता हो कि पता ना कहाँ घर में चम्मच घुल गए प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भाई ये हमारी टीम है पूरी जो मिश्रा जी के लिए काम करती है। तो मिश्रा जी एक बार दिखाओ चले। हाँ, तो भाई कोशिश हमारी यही है कि देसी गबरू को इंडिया का नंबर 1 ग्रूमिंग ब्रांड बनाया जाए, और जितने भी हमारे 6 प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके चेकआउट करो। और जिस भी मेरे भाई को बियर्ड शाइनर चाहिए, बियर्ड ग्रोथ ऑयल चाहिए,
हेयर सीरम चाहिए, फेस वॉश चाहिए, हेयर वैक्स चाहिए, या फिर तो भाई तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया पूरा दिखाया जाए। उससे पहले मैं दिखा दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था देसी गबरू का हम D10 पैक बनवा रहे हैं, तो वो कैसे बन रहा है लैब के अंदर, किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, वो आपको दिखा दूँ। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा हमारा D10 पैक देखो, इस तरह से लैब के अंदर सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं, सारे इन्ग्रीडियंट टेस्ट होते हैं, और तब जाके हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। फेस सीरम चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ वेबसाइट का भी और हमारे अमेजन का भी, जाके अभी के अभी बाय करो और अपनी ग्रूमिंग का ध्यान रखो। लेट्स गो, अभी तुम्हें दिखाते हैं पूरा एरिया। जैसे अगर कोई क्लेम करेगी भाई हमें चेक करना है 100% नेचुरल है या नहीं, तो उसके लिए कोई कस्टमर चेक करवाना चाहिए, हमें सर्टिफिकेशन हाँ, करवा सकता है, हम लोग भी सर्टिफाई करा सकते हैं। अच्छा चलो, तो आते जाओ भाई, देखो सुरंग जैसी दिखने वाली जगह वहाँ। तो यहाँ पर कई सारी फ्रेगरेंसेज हैं। अच्छा, यहाँ पर परफ्यूम्स का सिलेक्शन होता है, फ्रेगरेंस का सिलेक्शन होता है। जैसे मतलब कोई भी बॉडी वॉश बनाया, फेस वॉश बना, उसके अंदर खुशबू क्या चाहिए। हाँ, हाँ। तो भाई देखो कितनी छोटी छोटी, कितनी हज़ारों हैं, देख लो बेटा शायद वीडियो उसमें कम दिख रहे हो, लेकिन हज़ारों परफ्यूम्स हैं, बहुत सी बहुत। और इनको सूंघ सूंघ के भाई, जैसे तुम कहते हो ना भाई फेस वॉश की क्या खुशबू है, बियर्ड शाइनर की क्या खुशबू है, तो भाई मेरी ना नाक का जो हाल होता है ना, ये सूंघ सूंघ के सारे भाई, इतने सारे परफ्यूम सूंघ के तब जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ किस प्रोडक्ट के अंदर कौन सा परफ्यूम डालना है। मिश्रा जी कितने सैंपल मंगवाए थे जब हमने बियर्ड शाइनर बनाया था, भाई आप यकीन नहीं करोगे 15-20 बार वापस भेजे, वापस आए, जब लोगों ने कहा भैया 1.5 साल हो गया देसी का परफ्यूम सुनते सुनते लॉन्च कब होगा, तो भाई इसी चक्कर में लेट हुआ था। और इसी चक्कर में भी जो हम परफ्यूम सुना रहे हैं वो भी थोड़े लेट हो रहे हैं, लेकिन जब आएंगे तो हाईएस्ट क्वालिटी परफ्यूम आएंगे। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल यहाँ होता है, तो भाई ये है हमारा स्टेबिलिटी चैम्बर, ये वही है ना वैलिडिटी वाली। हाँ हाँ। तो अब बात आती है कि जैसे हमने कोई चीज बनाई, हाँ। अब हम उसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें फंगस ग्रोथ तो नहीं है, या जैसे हमने वैक्स बनाया वो पिघल तो नहीं जाएगा हर मौसम में। अब जैसे हमने सर्दियों में वैक्स बना दिया, क्या पता वो गर्मी में पिघल जाए। तो जो पीछे मशीन दिख रही है, खोल के देख पाएंगे मिश्रा जी से हम? हाँ। तो इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट हमने बनाया, इसके अंदर मिश्रा जी सारे मौसम है। हाँ, सर्दी मतलब इसमें हाँ, सारे मौसम आप क्रिएट हाँ, कर सकते हो। हाँ, प्लस इसमें हम लोग बहुत एक स्ट्रेस्ड कंडीशन रखते हैं। हाँ, जो 40 डिग्री टेम्परेचर है और 75% RH है इसका। अच्छा, तो वो है। और अभी आपके पास प्रोडक्ट इसमें से जब निकाल के आप हाथ में लोगे हाँ, तो आपको वो गर्म मिलेगा। हाँ, तो सारी तरह से कि भाई विंटर्स में क्या हाल रहने वाला है प्रोडक्ट का, गर्मियों में क्या रहने वाला है, कितने दिन प्रोडक्ट जिंदा रह पाएगा, तो उसकी जो हम क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट जो हम अंदर देखी है, तो देखो बहुत भाप है इसके अंदर। ये देखो ऊपर सर्दी है, देखो भाप है, नीचे गर्मी। हाथ डालिए, देखिए आपको क्या फील होता है। इतनी गर्मी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है हाथ जल जाएगा। नीचे नॉर्मल है, नीचे ठंडा है, यहाँ बिल्कुल ठंडा है ना। तो देखो ऐसे सैंपल मैंने आपको कितनी बार दिखाए थे जब मुझे मिश्रा जी सैंपल भेजते थे हमारे देसी कपड़ों के लिए। हाथ में लेकर के देखो, हाँ गर्म है। तो ऐसी कंडीशन में ये 3 महीने तक रखा हुआ है। अच्छा, और 6-6 महीने भी रखते हैं हम लोग। हाँ, चेक करने 3 महीने कम से कम। हाँ, तब जाके एक्सपायरी डिसाइड होती है कि कितने दिन प्रोडक्ट चल पाएगा, है ना। तो यही रीज़न है, कितनी बार आप लोग कहते हो भैया ये प्रोडक्ट बनाओ वो प्रोडक्ट बनाओ, तो मैं कहता हूँ भाई बना रहे हैं लेकिन उस पर टाइम लग रहा है। टाइम लगने का रीज़न ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट 3 महीने के बाद फेल हो जाता है तो फिर एक से शुरू करना पड़ता है, फिर अगले 3 महीने कम से कम लगेगा। हाँ, नया फॉर्मूला बनेगा, फिर उसको 3 महीने की टेस्टिंग पर रखा जाएगा, और उस पर जब ये पास होगा तब प्रोडक्शन के लिए जाएगा, फिर उसकी पैकिंग होगी, फिर ये अटरम जटरम, फिर जाके कहीं हमारे पास आएगा, फिर हम लॉन्च करेंगे, तब जाके आपके पास पहुंचेगा। तो भाई मेक श्योर हम यही करते हैं कि देसी गबरू का कोई भी प्रोडक्ट बने तो आपके पास जाते जाते हाईएस्ट क्वालिटी पहुँचे, सेफ टू यूज़ पहुँचे, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट। साथ में उस प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी स्टडी की जाती है, यहाँ पर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बुक्स हैं जिनको ये लोग रेफ़र करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारा डेटा है जिसको ये लोग पढ़ते हैं, बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है एक प्रोडक्ट को बनाने से पहले, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सी बुक्स हैं, फिर क्वालिटी चेक किया जाता है। इसके अलावा भी ये तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग है, फिर प्रोडक्ट का पीएच होता है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसमें एसिड वैल्यू, बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें रेंसिडिटी तो नहीं हो रही है, वो सारे टेस्ट यहाँ पे होते हैं। और टेस्टिंग के पैरामीटर्स ये हैं जो गवर्नमेंट के दिए पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे ये टेस्टिंग होती है। इन पैरामीटर्स, गवर्नमेंट के दिए हुए पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए तब जाके प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, पास किया जाता है, जब पास होता है तो मार्केट में लॉन्च किया जाता है।
है ना। तो भैया देसी गबरू जिसके हाथ में भी है बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूज़ करो, जितने प्रोडक्ट आने वाले हैं बहुत जल्दी बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे। टाइम इसीलिए लग रहा है, देखो हमने जो आपने प्रोडक्ट की डिमांड करी है, शैम्पू प्लस कंडीशनर परफ्यूम वो सब हमने बनवा तो दिए हैं, लेकिन सबकी टेस्टिंग चल रही है, 3-3 महीने रखे जाएंगे तब जाके पास होंगे। किसी वजह से पास नहीं होते हैं तो फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो बहुत आसान नहीं होता है चीज़ों को जल्दी जल्दी लॉन्च करना। ये है हमारी लैब, ये परफ्यूम लैब है, यहाँ पर फ्रेग्रेंस का डेवलपमेंट होता है, जितना भी R&D है परफ्यूम रिलेटेड वो सब। इस मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल है, ये कैसे काम करती है, अच्छा क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, ये कैसे वर्क करती है, कहाँ से आपका सैंपल जाता है, फिर कहाँ जा करके ये MS डिटेक्टर है यहाँ पे डिटेक्ट होता है। इसमें कोई भी हम लोग परफ्यूम इंजेक्ट करते हैं तो वो पूरा खोल के बता देता है कि इसमें क्या क्या गया है। सपोज करो मैंने एक परफ्यूम खरीदा दुबई से 40,000 का है, और मैं अपने किसी कस्टमर को देना चाहता हूँ, तो जैसे मेरा कोई कस्टमर ना खरीदना चाहे 40,000 का परफ्यूम, क्योंकि जो तो हम लोग रेप्लिकेट जो हमने वो बनाए हैं, जो मैंने आपको नाम दिए सारे मैंने डिसाइड करके, वो 30-30, 40-40, 50-50 के परफ्यूम है जो हम बना रहे हैं देसी गबरू के लिए। तो ये मशीन क्या करती है कि मैं जो 40,000 का परफ्यूम हूँ वो मेरे कस्टमर को मैं 2,000-2,500 में दे पाऊँ, सेम वही फ्रेग्रेंस उतना ही लॉन्ग लास्टिंग। तो वो कैसे बनाएंगे सर जी? हम तो हम उसका सैंपल लेंगे, ओरिजिनल परफ्यूम का, ओरिजिनल परफ्यूम जो हमने भाई दुबई से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, उसका सैंपल इंजेक्ट करेंगे इसमें। इस तरीके से वायल्स होते हैं, ओके, इसमें फिल करके इसमें इंजेक्ट करेंगे, और फिर इसके बाद में ये एक रिपोर्ट जनरेट होती है इस मशीन से, इस तरह की एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें इंग्रेडिएंट विद परसेंटेज लिखा होता है कि क्या क्या गया है और कितना कितना गया है। फिर इसके हिसाब से कई ट्रायल करने के बाद, फिर उसके बाद कई ट्रायल होते हैं क्योंकि रिपोर्ट 100% सही नहीं होती, फिर बहुत सारे ट्रायल होते हैं, कुछ नाक का भी खेल होता है, क्या वो बता रही है मशीन कुछ बता रही है लेकिन स्मेल कुछ और आ रही है, तो वो थोड़ी वोकेबलरी भी अपनी होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जो हमारे परफ्यूम अब आने वाले हैं वो जो आप लगाओगे, हम कोशिश करेंगे कम से कम रेट में आपके पास पहुँचे देसी गबरू के जितने भी परफ्यूम आएंगे, बट वो जो आएंगे उनकी जो रियल कॉस्ट होगी, रियल कॉस्ट मतलब जो मैंने खरीद के हमने इसमें सैंपल डाले हमारे, वो बहुत महंगे परफ्यूम है, लेकिन आपके पास बहुत कम दामों में जितने में आप और मार्केट से परफ्यूम लेते हो उतने रेट्स में आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप कितने अर्जेंट में मैं लेने आया दोबारा भाई, फेस वॉश इतना पसंद आया मिश्रा जी, ये अभी मुँह धोके कह रहा, सिर्फ मुँह धोया, और वो जो भाई कैमरा वीडियो बना रहे ये कह रहे मिश्रा जी का चुम्मा लूंगा जाते कि ये ये क्या फेस वॉश बना। जितनी भी अभी तक फीडबैक आया ना फेस वॉश के, सबने बोला भाई क्या चीज़ बनाई है। तो मिश्रा जी कहने का मतलब ये है कि इतना सारा आपने ये जो जोड़ दिया है ये चीज़ें, इतना ज़्यादा आपको नॉलेज है इस चीज़ की, इतनी ज़्यादा आप डीप साइंस में इसमें घुसे हुए हो, तो इसका राज क्या, मतलब आपको ये नॉलेज कहाँ से मिली? आप मतलब कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि भाई मिश्रा जी का बैकग्राउंड क्या है, तो आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन में? तो हम अपने बारे में अगर बताएं तो हम लोग फोर्थ जनरेशन चौथी पीढ़ी हैं जो एसेंशियल ऑयल और खुशबुओं से जुड़े हुए हैं, फ्रेग्रेंसेस से जुड़े हुए हैं, चौथी पीढ़ी हैं हम लोगों का, लगभग 85 साल हो गया है इस परफ्यूम और खुशबू की इंडस्ट्री में, फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री। हम आ गए फ्रेग्रेंस लैब में, तो ये जो हमारे देसी गबरू के परफ्यूम आने वाले हैं वो भाई यहीं से बनाए जाएंगे। मिश्रा जी ये बॉटल्स जो हैं ये क्या चीज़ है? तो ये फ्रेग्रेंस में पड़ने वाले अलग अलग इन्ग्रीडियंट हैं जिनसे कि एक होलसम परफ्यूम क्रिएट होती है। तो एक परफ्यूम में अमूमन आप मान लीजिए कि 20-30 से लेके 80 इंग्रेडिएंट तक जाते हैं एक परफ्यूम में। और एक और हमारे पास जो लाइब्रेरी है इंग्रेडिएंट्स की, वो लगभग 1,000+ इंग्रेडिएंट की है। अच्छा, उन इंग्रेडिएंट से बहुत तरह की फ्रेग्रेंसेस बनती हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये सारी जो तुम्हें सैंपल दिख रहे हैं ये तो लैब में कम रखे गए हैं, 1,000 से भी ज़्यादा जैसे मिश्रा जी ने बताया, तो ये अलग 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 इंग्रेडिएंट हैं, इनको जब मिलाया जाएगा सारों को, या हमने 10 सिलेक्ट किए 15 सिलेक्ट किए जैसे मिश्रा जी ने बताया, 80-90 सिलेक्ट किए तब जाके सारे इंग्रेडिएंट मिलके तब जाके एक परफ्यूम रेडी होगा। भाई मेरा जो नाक है ना वो परफ्यूम सूंघ सूंघ के पिछले 1.5 साल में इतना परफेक्ट हो गया, मैं दूर से खुशबू सूंघ के बता दूँ भाई कौन सा कितना स्टे करने वाला है, कौन सा कितना अच्छा है, ये है बवाल, ये अमोघ है। ये परफ्यूम अच्छा अमोघ जो है ओमान की कंपनी है जो मतलब इसके परफ्यूम लग्जरी परफ्यूम्स में आते हैं। अच्छा, करीब 100 ml की शायद अमोघ की बॉटल इस वक्त 32,000 रुपये की होगी।
और मैं बहुत एक वाजे मार्केटिंग है उनको एक लग्जरी स्टेटस, वो खुद भी नहीं चाहते कि वो हर किसी को बेचे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये। तो भाई जो लॉन्च होने वाले हैं उनका वेट करो, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बना दिए नीचे उसकी वो बन रही है, एक्सपायरी चेक हो रही है, तो बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे। ये कौन सा है? ये परफ्यूम है, ये ऊद है। हाँ है ना। हाँ देख रहे हो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैंने कलर देख के बता दिया ऊद है, ऊद ये दिखा ना देख। हाँ। इतनी प्रैक्टिस हो गई है, दूर से परफ्यूम का कलर देख के बता दूँ कौन सा परफ्यूम है। ये अच्छा है, पाउडर इंग्रेडिएंट भी डालते हैं, अदरवाइज मुझे पता नहीं था। सिर्फ लिक्विड से नहीं, पाउडर भी। और तुम में जितने सारे लोग हैं शायद तुम्हें भी ना पता हो कि ऐसा भी कुछ होता है, तो भाई जब मैं पहली बार देख रहा हूँ तो आई होप आप लोगों को बड़ी नॉलेज मिली होगी, और मिश्रा जी बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। और सब दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, आपने किसी भी ब्रांड की इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं देखी होंगी क्योंकि इतनी डिटेल में काम किया ही नहीं जाता। किसी भी परफ्यूम में जैसे वेनिला का नोट डालना है, वेनिलिन वगैरह हम डालते हैं, मस्की नोट डालना होता है तो वो मस्क कंप्लीट होता है। अच्छा, तो वो सब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। तो बहुत सारे ब्रांड भाई इंडस्ट्री में आने के बाद पता लगा कि बहुत सारे ब्रांड कहने को नेचुरल भी कह देते हैं पर थोड़ा बहुत केमिकल भी मिला देते हैं। जैसे मिश्रा जी ने कहा आपको टेस्ट कराना, टेस्ट करा लो, हमसे सर्टिफिकेशन चाहिए हम दे देंगे। तो बहुत ट्रांसपेरेंट काम है, दैट्स वाई मैं दिखा रहा हूँ, और दैट्स वाई मिश्रा जी अलाउ कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है, कोई डर नहीं है, सब कुछ दिखा दो कैसे बन रहा है क्या बन रहा है। ठीक है, तो भाई ये चीज़, ये दिस इज़ नॉट ओनली यूट्यूब, कि आप और मैं हूँ, ये एक बिजनेस है। तो एक कस्टमर और जहाँ से एक चीज़ बन रही है उसके बीच में किसी भी चीज़ की वो हिडन चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए सब कुछ, कि भाई आप बना रहे हैं आप ले रहे हो, तो इस तरह से बहुत एफर्ट होते हैं पीछे, बहुत एफर्ट होते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट में अगर एक परफ्यूम पड़ रही है, वो परफ्यूम के 40-50 इंग्रेडिएंट हैं, फिर उस प्रोडक्ट के खुद के बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, ये सब मिलकर समझ रहे हो। कहने का मतलब मैंने एक शैम्पू प्लस कंडीशनर बनाया, ठीक, अब वो जिम्मेदारी मिश्रा जी की नहीं है, मिश्रा जी तो कहेंगे जो परफ्यूम तुम्हें चाहिए वो बता दो, वो जिम्मेदारी मेरी है। तो अब उस शैम्पू प्लस कंडीशनर में खुशबू कैसी आनी चाहिए जब आप नहाओ तो बालों में जब वो लगे। तो मिश्रा जी ने शैम्पू प्लस कंडीशनर के भी 10-12 सैंपल भेज दिए मुझे, सबकी खुशबू मैंने कहा मुझे चूज करना, अच्छी सबकी थी, पर मैंने कहा मेरे समझ से बाहर है तो मुझे वो चाहिए जो मुझे बेस्ट लगेगा। तो अब जाके डिसाइड हुई है, तो जब आप उसको भी यूज़ करोगे तो आपको भी हाँ यार चीज़ है। तो भाई बहुत काम करना पड़ता है इस चीज़ के लिए, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है और तब जाके वो उसकी एक्सपायरी बनती है, तब जाके फिर वो मार्केट में आता है, तब जाके लॉन्च होता है। तो भाई बहुत इजी नहीं है, बहुत बहुत मेहनत। आप लोग फैक्ट्री जाओगे तो वहाँ पे बहुत कुछ देखोगे। हाँ हाँ। सो गाइस ये था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया, जहाँ पे रिसर्च की जाती है कि कौन सी चीज़ हम चाह रहे हैं, उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे उसको फाइनल वो दिया जाएगा। तो भाई देसी गबरू इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इतना आप सपोर्ट दिखा रहे तो आपने देख लिया होगा कितनी ज़्यादा मेहनत इसके अंदर लगती है, कहाँ कितनी साइंस बेस्ड इसके अंदर नॉलेज की ज़रूरत है। कैसे नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ बनवा रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, तो वो नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके पीछे साइंस के साथ काम किया जाता है। तो ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने देख लिया, इसके बाद हम आपको ले के चलते हैं फैक्ट्री, जहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, यहाँ तो सिलेक्शन हो जाता है कि सैंपल्स लिए, हाँ ये परफ्यूम बन गया, अब जो इसकी प्रोडक्शन होगी वो कहाँ होती है, कैसे होती है, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फैक्ट्री, लेट्स गो। तो भाई ऐसा है, हम आ चुके हैं फैक्ट्री, देखो भैया बहुत बड़ा ताम झाम है, कभी सोच रहे हो कि कहीं पड़ता बिहार की किसी कुंडी में घोल के तुम्हें देसी गबरू का माल दे रहा हूँ, आ जाओ आइए, दिख रहा अंदर साड़ो, किसी ब्रांड ने तुम्हें आज तक दिखाया, ये जो ब्रांड तुम लगाते हो किसी ने ऐसे दिखाया कि भाई हम ऐसे बना रहे हैं, मैं होल्ड इट जो ब्रो, यस ये रहने देसी गबरू हेयर सीरम भैया, इस तरह से हमारे मोनोपार्ट नहीं आते, यहाँ ये सारी बहनें हमारी, भाई हमारे ये सब पैकिंग करते हैं, किस तरह से कितने हाइजीन तरीके से काम हो, कितने हाइजीन तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी जोया जी फैक्ट्री हेड है और भाई बहुत जिम्मेदारी से काम करती हैं, आपने फैक्ट्री देख ली, ये मतलब इतने ये पूरा एरिया नहीं है, इसके बाद ऐसी बहुत बहुत बड़ी फैक्ट्री आपने बाहर से देख ली होगी। तो ये जोया जी हैं भाई, देखो छोटी सी बहन हमारी कितना काम हैंडल करती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हमारे देसी गबरू का यहाँ पे फिलिंग की जाती है, कैसे मोनो कार्टन में उसको डाला जाता है, कैसे पैकिंग होती है। पैकिंग का ही बताऊं। हाँ, आपकी एज कितनी है? 24 मतलब मैं तो पहली बार मिला हूँ आज, देख के खुश हो गया भाई सच में, और कैमरे के आगे आने से इतना घबरा रही है बहन हमारी, कह रही आप ही कर लो, मैं नहीं आ रही नहीं यार जो काम कर रहा है वो सामने तो आएगा। ठीक है, तो जोया जी करवाओ जल्दी जल्दी। तो जोया जी ये क्या हो रहा है?
अभी ये कोडिंग प्रिंटिंग हो रही है, इसमें एमआरपी और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है। अच्छा, कि मैन्युफैक्चरिंग किस डेट की, एक्सपायरी कब तक है, इसकी कोडिंग हो रही है। ये देखो उधर से खाली डाल रहे हैं और इधर से ये लग के इसके ऊपर प्रिंट लिख के आ रहा है। ये देखो कि जो हमारी एमआरपी है हेयर सीरम की और मैन्युफैक्चरिंग कब की है और एक्सपायरी कब की है, सारी चीज़ें इसमें वो के आ रही है। और यहाँ पे इसको पैक करेंगे, वो कैसे पैक करेंगे, कैसे फिलिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो भाई देखो ये हमारे हेयर सीरम खाली बॉटल यहाँ पे इसके अंदर भर दिया, हेयर सीरम बना के हमारा मस्त प्रोडक्टिविटी और मस्त क्वालिटी, हाइजीनिक काम, केमिकल फ्री, 100% नेचुरल और सबसे बड़ी बात ह्यूमन कॉन्टैक्टलेस है, किसी का भी हाथ नहीं लग रहा, टच नहीं हो रहा, वायल को टच कर रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, अंदर सीरम जा रहा है, उसके बाद ढक्कन लगाया जा रहा है, देन इसके ऊपर लेबलिंग हो रही है, देन इसके ऊपर मोनोकार्टन आ रहा है और फिर इसको पैक किया जा रहा है और फिर मेरे घर तक भेजा जा रहा है और मेरे घर से आपके घर तक। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मशीन थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकती है, कि हो सकता है किसी बॉटल में थोड़ा कम हेयर सीरम चला जाए, किसी में ज़्यादा चला जाए, तो उसको जैसे मैंने बोला वीमेन पार, जैसे मैन पार काम करती है वैसे वीमेन पार काम कर रही है, तो उसको पूरा बराबर करने के लिए वहाँ से उसको मैनेज किया जा रहा है। आप देखिए, देखो पूरा नाप के कि जितना उसके ऊपर लिखा गया है 100 ml है तो 100 ml ही होना चाहिए, वेट करके दिया जा रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, कम होगा तो उसके अंदर और डाला जाएगा। थोड़ा सा काम मैं भी कर लेता हूँ भाई, इसलिए जिम जाना ना हो रहा, इसलिए बॉडी ना बन रही, फैक्ट्री में आके काम भी करना पड़ा है। तो भाई वहाँ से फिलिंग हो गई, फिर कैप टाइट हो गया, कैप टाइट होने के बाद लेबल लगाया जा रहा है, लेबल लगाने के बाद इसको डाला जाएगा मोनोकार्टन में, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। तो भाई सारा काम हाथ से है और ये हमारे, तो भाई इस तरह से होती है पैकिंग हमारी, आपने देख लिया कैसे एक नंगी बोतल बिना लेबल की क्या बन के आई है, सारा सामान भर के। तो ये एक एक क्वालिटी चेक की जाती है, ये हमेशा मैं नहीं करता हूँ, जोया जी करती हैं, बट हाँ इतना विश्वास है कि जो भी काम करती हैं बहुत अच्छा करती हैं। तो ये कार्टन बना जाएगा, जो मैंने अभी आपको अंदर स्पेस दिखाया उसमें डाला जाएगा, ये हमारे यहाँ बना रखा है, तो वहाँ भर जाएगा और सीधे ये हमारे ऑफिस पहुँचेगा, ऑफिस से पहुँचेगा सीधे आपके पास। तो भाई दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग ऑन देसी गवर्नमेंट। सो भाई इस ब्लॉग का एक ही मोटिव है कि कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एक प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत है, कितने मैन पावर है, कितनी मशीन पावर है, कितनी वीमेन पावर है, सारा आपको दिखाया जाए, आपको पता लगे देसी गबरू कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितनी साइंस बेस्ड चीज़ों के साथ बन रहा है, क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतनी मेहनत, इसलिए कि भाई मेरे किसी भी भाई के पास कोई भी सामान ऐसा ना पहुँचे जिससे वो डिससेटिस्फाइड हो, उसको सेटिस्फेक्शन ना मिले। बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो नेचुरल चीज़ों के नाम पे आप तक केमिकल पहुंचा रहे हैं, बिवेयर फ्रॉम दोज फेक ब्रांड्स। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट हाँ आपको बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं अपनी ग्रूमिंग के लिए प्रोडक्ट्स मार्केट से ख़रीदता था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी देखने आई थी जो मैं शायद डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, या हम किसी को बुरा बोलने नहीं बैठे हैं, बट या वी आर द बेस्ट, मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम अगर ये सोचें हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी है। तो दैट्स वाई हम इस लाइन में उतरे, इस ग्रूमिंग रेंज में उतरे कि आप तक बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू सो मच। तो भाई थैंक यू सो मच हमारे राजवीर फिटनेस सीरीज को प्यार देने के बाद, इतना सक्सेसफुल बनाने के बाद, हमारे ब्रांड देसी गबरू को इतना प्यार देने के लिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है जो कि अगले महीने तक या 30-45 days का टाइम मुझे लगेगा लॉन्च करने में, बहुत अच्छे आपकी ज़रूरत के प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने वाला हूँ। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ये आपको दिखाया इसलिए कि ताकि आपको दिखाई दे कि कैसे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। और सबसे बड़ा रीज़न ये सब दिखाने का ये था क्योंकि मैंने आज तक आप लोगों से, अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से कभी भी कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग रही हो, चाहे वो फिटनेस रही हो, चाहे वो यूट्यूब रहा हो, इंस्टाग्राम रहा हो, किसी जुए की एप्लीकेशन का प्रमोशन रहा हो, किसी सप्लीमेंट का प्रमोशन रहा हो, या मेरे खुद के ब्रांड का प्रमोशन रहा हो, कभी भी मैंने कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी है, हमेशा हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रखी है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच ये सपोर्ट बनाने के लिए, और आपका प्यार सपोर्ट ही है कि मैं इतना ईमानदार रह पाता हूँ, ऑनेस्ट रह पाता हूँ, ट्रांसपेरेंट रह पाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।